कोरोना वायरस के बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर सरकार लगातार चिंता जाहिर कर रही है, लगातार अपील की जा रही है कि लोग भी अगे आन, लोग भी सपोर्ट कर सरकार का। और सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू भी लगातार मोनीटरिंग कर रहे हैं, साढ़े मौजूद ने। सर किस तरह देखते हो, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी मुलाकात की है, तुम लॉकडाउन को लेकर भी जिक्र लगातार कर रहे थे, तुम कहा कि लॉकडाउन लगना चाहिए पंजाब के, लगन जा रहा लॉकडाउन पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने की तर्क है? उन्होंने जो गल कही सी, उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रिक्शन लाइया ने, पाबंदियां लाइया ने, वह हले कल ही लाइया ने। इन्हों का आप एक हफ्ते का देख लीए भी की असर हैगा, जे हफ्ते बाद ये जिहड़ियां पाबंदियां ना कोई साडा ग्राफ नीचे आउंदा है तां असीं सानूं लॉकडाउन लाउण दी जरूरत नहीं, फिर असीं इदां ही अपना काम नूं होर सक्सैसफुल होकर चलावांगे। तो वो जे फिर भी अंकड़ा वधदा ही जाऊगा, जे साडे कोल फैसिलिटी घटदी जाऊगी तां उहदे बारे असीं सोच सकते हैं कि फिर असीं लॉकडाउन वाले पासे भी वध सकदे हां। ये बयान अज उहनां दा अखबार 'च भी छपिया हैगा, लेकिन फिर उन्होंने तो मेरी सोच का फर्क, उन्होंने को हर तरह का तजर्बा हैगा, तो बकायदा उन्होंने को बहुत सारी फीडबैक है, बहुत सारे एक्सपर्ट उन्होंने गल करते हैं, बहुत विजन वाले साडे मुख्यमंत्री ने। लेकिन मैं तो अपना पक्ष रखिया, उन्होंने उन्होंने अपना ये वो हैगा कि वो उसते अमल कर या ना कर। लगातार इजाफा हो रहा, केस लगातार बढ़ रहे हैं, तुम लगातार मोनीटरिंग कर रहे हो, दिल्ली की गल की जाए दिल्ली ने भी लॉकडाउन वधा दिता, हरियाणा ने भी लॉकडाउन वधा दिता, तो करके इस सवाल बार बार उठता कि लोग की लोग सोच रहे हैं कि लगेगा कि नहीं। साडे भी ऑलमोस्ट 70% का बंद हो ही गया, सिर्फ 30% बाकी हैगा, वह भी जो जरूरी बहुत ज़्यादा असेंशियल कम्यूनिटी जी चीज़ा जिन्हें जरूरत पैंती है उही जड़ियाँ है, तकरीबन दुकाना खुलियां ने, बाकी तो ऑलमोस्ट सारिया बंद है। तो लोग भी इस गल नूं महसूस करते हैं कि भी इहदे नाल साडा साडी लाइफ पहलां ते बाकी गल्लां बाद दे विच ने, ते लोग सानूं जे कोऑपरेट पूरा करना शुरू कर देना, लोग इहनूं पूरा संजीदगी नाल लैणा शुरू कर देना, तो मैं सोचदा शायद लॉकडाउन तो बगैर भी काम चल जाए। बाकी संजीदगी नाल लै रहे ने, जो तुसीं इंस्ट्रक्शनस दे रहे हो उस हिसाब नाल लगदा कि पंजाब दे विच वख-वख थावां तों बहुत वधिया लोकां ते अमल, जिवें मोहाली जिवें काफी जाके आया, काफ़ी असर हैगा, ते पर लेकिन बाकी देहात एरिए दे विच लोक घट प्रवाह करते हैं, जां जिहड़े जंग ब्लड है वह इस चीज़ नूं लाइटली लैंदा हैगा, पर लेकिन जिस परिवार दे विच कोई इदां दी घटना वापरदी आ, फिर उस परिवार तो बाद सारे लोगों थोड़ा इस गल का असर हुंदा वी यार फलाने दा नाल इदां इदां मिसहैपनिंग हो गई जिहड़ी कि बड़ी मंदभागी है। तो ये जिहड़ी बीमारी है किसे दा लिहाज नहीं करदी, जिहड़ा बंदा इहदे डिक्के आ गया जे प्रोपर टाइम ते उहने ट्रीटमेंट नहीं लिया तां उहदों बाद उहदा बचना बहुत मुश्किल हुंदा है। सर पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स के जे गल की जाए तो केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, साडे कोल तकरीबन 8000 बंदे दे करीब जिहड़ा बंदा साडा ऑक्सीजन ते हैगा, प्लस 225 बंदा साडा वेंटीलेटर ते हैगा, प्लस बाकी जिहड़े सारे हैगे ने वह तकरीबन 80-82% जिहड़े लोग ने वह हैगे ने अपने होम आइसोलेशन दे विच हैगे ने, जिहड़े होम आइसोलेशन च आम तौर पर सिक्योर हुंदे ने, ते उहनां ने इनिशियल स्टेज ते अपने आप नूं टैसट हो गया उहनां दा, तो उन्होंने अपना फतेहगेट के राही जो मेडिसिन बनी है ये वास्ते वो लैनी शुरू करती है, उस तों बाद सारे रिकवर हो रहे हैं। सर एक लोगों के मन के बड़ी धारणा कि हॉस्पिटल जाता बंदा तो बहुत औखा ही बचता घर रह के, और ज़्यादातर इस करके लोग चैकअप भी नहीं करवा रहे, शायद हॉस्पिटल जाते उदो जो बिल्कुल बहुत सिक हो जाते हैं। जे हॉस्पिटल शुरू के सानू कहने भी असी प्रॉब्लम हैगी आ, असी नाल दे सैंपल एक टैसट करवा दीए, तो टैसट करवा के फिर असी उन्हों फतेहगढ़ दे दें तो ज हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पैनी। तो जेकर बंदा 10-12 दिन घर टाइफाइड समझ के प्या रहे, तो भी खांसी जुकाम सीजनल फ्लू हैगा है, तो प्या रहे तो फिर वह कितना इलाज हो सकता है। किस तरह देखते हो ऑक्सीजन की गल की जाए, सेंटर वालों कहोजा कोऑपरेशन मिल रहा? सेंटर वालों सानू कोई प्रोपर कोऑपरेशन, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी घाट हैगी है, तो फिर जेडे बहुत क्रिटिकल मेडिसिन जीडिया है उन्होंने बड़ी घाट हैगी, प्लस जो सा वैक्सीन की बड़ी घाट हैगी है। ऑक्सीजन का कोटा तुसी पिछले दिन भी सवाल खड़े किए कि मतरिया वर्गा सलूक कर रहा सेंटर साढ़े न? बिल्कुल हो रहा, थोड़े सामने आ 350 टन की रिक्वायरमेंट आ पर डे सू मिलती, पूरा जोर ला के 227 टन हुई, वह भी हले प्रोपर नहीं मिली। ठीक है, और बाकी चीज़ों लेकर थोड़ा की लगता कंट्रोल केवे आऊगा, क्योंकि बाकी थावान से लॉकडाउन आया लगता या पीक तो चल रहा है, या होर पीक आऊगी या डाउन कदों आऊगा? देखो हाले तो जो जो लोगों की सेंटर्स की या डॉक्टर साहबान का जो प्रोडिक्शन हैगी है ये होर बधेगा, लेकिन जोड़ा लॉकडाउन लाना ज लगे वो सिकंडरी गल आ, जो लोग साडा साथ देना शुरू कर देंगे तो असी इनू संभाल सकते हैं। तो प्लस जे तुसीं सोचदे हो भी बहुत बड़े पद्धर ते फैल जाए भी डॉक्टरों के बस तो बाहर की गल हो जाएगी, फिर गल बड़ी मुश्किल होएगी।
वैक्सीन मिल रही है प्रॉपर तरीके ना, क्योंकि अज कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां ने भी कहा है, वो कहिंदे कि मैं लैटर भी लिखिया क्योंकि बहुत घट डोज रह गई। नाले तां जिवें रूंगा नहीं दिंदे किसे न्याणे नूं, उह साडे नाल होई है कि कितने सानू हफ्ते की 5-6 लाख मिलती सी, कितने हफ्ते बाद 2 लाख मिली अज, तो असी अपना वो जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़्यादा बढ़ा लिया, तो असी ज़्यादा सेंटर बना ले, असी कैंप लाने शुरू करते कि लोगों को जल्दी वैक्सीनेट करिए, लेकिन सानू उधरों उन्होंने हथ खिच के 2 लाख दी अज हफ्ते बाद, 5.5 लाख 15 दिन देने का वादा किया है। जिहड़ी असी अपनी प्राइस से मुल ते लैनी आ वह भी 3,30,000 सानू हले जाके मिलनी आ 15 मई तो बाद, तो फिर असी किस तरह सर्वाइव करांगे। सूबे नाल भी ए हो रहा या कल्ले पंजाब दा लगदा तो बाकी बारे पता नहीं, साडे नाल तां काफ़ी चंगा वधिया सानू कोई हो नहीं। हाँ कुटी टी हो रहा। और सर एक चीज़ हो रहा है कि जिस हिसाब के नाल लगातार सख्ती हो रही है, लोगों नू की अपील करोगे पंजाब के लोगों को? लगातार तुसीं सोशल मीडिया से भी एक पोस्ट साझी की थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी भी लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग भी सपोर्ट कर, दुख की घड़ी है, सारे नू सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये कहूँगा भी ये लड़ाई जी किसी एक बंदे की नहीं, किसी एक सरकार की नहीं, किसी एक सूबे की नहीं, किसी एक देश की नहीं, समुचे संसार की व्यापी लड़ाई है। इस पबलिक की शमूलियत तो बिना, पबलिक के सहयोग तो बिना जीती नहीं जा सकती, तो पबलिक नूं भी साडे नाल मुढ़े नाल मुढ़ा लै खड़ना चाहिए। तो जो असी सरकार दियां जां मैडिकल स्पैशलिस्ट कहिंदे ने, उन्हां दी हर गल ते अमल करन दी लोड़ हैगी है। सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार दे उपर भी, कारगुजारी दे उपर। देखिया वो हर बारी वेंटीलेटर का कदे चंदू माजरा टेढ़े जिहे मूंह नाल कहिंदा, कदे एनके शर्मा साहब कहिंदे ने, कदे कोई दूसरा कहिंदा है, कदे बीबा हरसिमरत कहिंदे ने, कोई वेंटीलेटर खड़ाउणा थोड़ो है। वेंटीलेटर तो बहुत टर्सरी केयर जगह जरूरत पैंदी, तो बंदा बहुत क्रिटिकल होना लाना पैंदा है। साढ़े को 1,100 वेंटीलेटर हैगा, सिर्फ 215 या 225 यूज हो रहे हैं, लेकिन जिहड़ी सब तो वड्डी जरूरत हैगी ऑक्सीजन की हैगी, सानू वड्डी जरूरत हैगी मेडिसिन की हैगी, वड्डी जरूरत साडी अपनी वैक्सीन की हैगी। असी सैंपलिंग 1,000 तो असी 60-65,000 तक ले गए, ये साड़ी सरकार की बहुत बड़ी प्रगति है, साड़ी एक मैं कहना भी प्राप्ति है साड़ी कि जी असी इन्ना इनू लैबोरेट किया है, इन्ना वास किया है, तो ये लोग गल करने बड़े सौखे, कमा बहुत औखा है। अकाली दल क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं सर? अकाली दल तो इस वे की है कि वह हारे हुए जवारीए ने, उन्होंने पता साढ़े पैरों थोड़े जमीन खिसक चुकी है, चाहे वह बैबरप कांड ला लो, चाहे कोटपुरा कांड ला लो, चाहे आ हूँ जिहड़ा किसानी मोर्चा, जिहड़े असी सारे किसान खमाजा भुगत रहे हैं, पंजाब भुगत रहा है, तो उस लई सीधे तौर जिम्मेवार ने कोई उस सरकार के भाईवाल सीगे। हाँ सर, मेरा आखिरी सवाल है एक कि पिछले साल जो लॉकडाउन होया सी कोरोना वायरस के दौरान, और लोगों को दिक्कत आई सी और राशन नहीं पहुँच पा रहा सी, चलो हेल्पलाइन तुसीं शुरू की है, असी जाके भी आए सी हेल्पलाइन सेंटर भी, वो कहिंदे कि मदद मुहैया करा रहे सी, कि तुसीं श्योर कर रहे हो पंजाब के लोगों को कि किसी को भी राशन की कमी या जो जरूरत का समान होगा कमी नहीं आने दोगे? साढ़े कल प्रधान साहब वालों एक यूथ कांग्रेस वालों भी एक हेल्पलाइन असी एस्टैबलिश डिवेलप की, अपडेट की है, स्टार्ट की है, तो वो भी बकायदा साडे बच्चे भी सुन रहे हैं, प्लस जिन्हों कि कोई जरूरत हैगी बकायदा असी एक फूड किट भी नाल देने का प्रबंध किया है। होर सवाल है कि लोगों को बहुत सारे ये शंका है कि मेडिसिन जो लग जाती है उस तो बाद बुखार आता है, या देखो कोई भी वैक्सीन का जेकर तुम सही रिजल्ट ने, असी बच्चों को लगवाते पहले छोटे छोटे होंगे आप भी लगे ने, उदो जो बुखार चढ़ता इट मीनज वैक्सीन जी बहुत कारगर हैगी है, तो बुखार तुम डोलो गोली पहले खा लो एक बाद खा लो, कोई बुखार कोई रेगुलर बुखार छोड़ो, वह तो बल्कि एक सिमटम है, निशानी है कि तुम तुम्हें ठीक वैक्सीन लग गई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू साढ़े नाल मौजूद सन। बलबीर सिंह सिद्धू हुणी कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां दे नाल मुलाकात हुई है और लॉकडाउन ली रिकमेंड इन्होंने हालांकि सलाह दी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां नूं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां ने यह कहा है कि अजे जरूरत नहीं, पर जे सख्ती की जा सकती है जे जरूरत पैंदी है, तो क्योंकि जे केस लगातार वधणगे तो फिर हो सकता कि पंजाब दे विच सख्ती की जाए, पर यह जरूर लोगों को भरोसा दवाया कि लॉकडाउन दौरान किसी को भी राशन की या जरूरी सेवावां की कमी नहीं आने दी जाएगी। कैमरामैन शमशेर के नाल विक्रम सिंह प्रो पंजाब टीवी चंडीगढ़।